छोड़ दी चिंता भुला दिए सारे गम, छोड़ दी चिंता भुला दिए सारे गम, सिर पे हाथ रखिए बाबा हरिद्वार आ लिए हम। अब हर की पौड़ी पर जा रहे हैं, हर की पौड़ी हरिद्वार के सबसे पवित्र घाटों में से एक है और एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ सभी आध्यात्मिक गतिविधियाँ होती हैं। हर की पौड़ी एक श्रद्धेलु स्थल है जिसका बड़ी संख्या में भक्तों और आगंतुकों द्वारा दौरा किया जाता है और पवित्र गंगा के दर्शन करके अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। ये देखिए, ये माँ मनसा देवी का मंदिर ऊपर चोटी पर। हर की पौड़ी शब्द का शब्दिक अर्थ, हर का अर्थ है भगवान शिव, का अर्थ है, और पौड़ी का अर्थ है कदम। माना जाता है कि भगवान विष्णु के हर की पौड़ी में ब्रह्मकुंड की यात्रा की थी। घाट का नाम भगवान विष्णु के चरण चिन्ह से पड़ा। उसी के निशान घाट के एक पत्थर पर मौजूद है। हर की पौड़ी अर्ध कुंभ मेला, वैसाखी त्यौहार, कंवर यात्रा और माघ मेला जैसे प्रसिद्ध मेलों के मेजबानी भी करता है, जिस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी घाट में स्नान करते हैं। तो चलिए कुछ इसकी इतिहास के बारे में बात करते हैं। भारत के सबसे पवित्र घाटों में शुमार हर की पौड़ी का इतिहास 20 सदियों से अधिक पुराना है, जिसके निर्माण का श्रेय राजा विक्रमादित्य को दिया जाता है। हर की पौड़ी का निर्माण राजा विक्रमादित्य के भाई भारती की याद में किया गया था, जिन्होंने गंगा नदी के तट पर यहाँ ध्यान किया था, ठीक उसी जगह जहाँ शाम और सुबह की आरती होती है, उसे ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर अमृत की बूंदें गिरी थी। इस घाट का समय समय पर कई बार नवीकरण भी हुआ है। पहला विस्तार 1938 में उत्तर प्रदेश में आगरा में एक जमींदार हरज्ञान सिंह कटारा द्वारा किया गया था और फिर 1986 में किया गया था। अब बैठे बैठे कुछ करना है काम, तो शुरू करते हैं कुछ टिप्स के साथ। सबसे पहले, आप जब भी हर की पौड़ी की यात्रा पर जाए तो शाम की आरती में भाग ज़रूर ले, उससे मन को शांति भी मिलती है और पूरी सोल रिफ्रेश हो जाती है। एंड ध्यान दे, हर की पौड़ी घाट पर गंगा नदी का बहाव काफ़ी तेज़ होता है, इसलिए डुबकी लगाते समय बैरिकेड को पार ना करें। नदी में डुबकी लगाते समय अपने कपड़े और सामान का सेफ जगह रख दे, बिकॉज वहाँ धोखाधड़ी और सामान गायब होने की बहुत घटनाएं भी देखने को मिलती है। त्योहारों और पर्वों के दौरान वहाँ बहुत भीड़ होती है, इसलिए यदि आप इस दौरान आ रहे हैं तो थोड़ा सतर्क और सावधान रहे। अगर आपके साथ बच्चे भी हैं तो उनका विशेष ध्यान रखें। तो अब काफ़ी थकान हो चुकी है एंड 13 किलोमीटर ऋषिकेश के लिए बचा है, तो हम ऋषिकेश जा रहे हैं एंड वहाँ पर जाकर होटल बुक करते हैं एंड थोड़ा रेस्ट करेंगे, देन नेक्स्ट डे विल गो टू नीलकंठ। सो गाइस, काफ़ी देर बाद हमें मिला है होटल, ऋषिकेश में आए हैं एंड फेस्टिव सीजन था, रूम पहले से बुक नहीं कर रखा था, इंस्टेंट प्लान बना एक्चुअली, तो एट लास्ट हमें फाइनली ये होटल मिला है। अभी मैं छत पे आया हूँ, इसकी लाइक व्यू देखने आया था, तो पीछे तो आपको लग रहा होगा कि मैं खेतों में हूँ अपने हरियाणा में, बट स्टिल व्यू आपको दिखाता हूँ कुछ। यहाँ से व्यू काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं, काफ़ी ग्रीनरी है एंड दूर से आपको दिख रहा होगा ऐसा कुछ व्यू है।
पर काफ़ी मुश्किल से होटल मिला। एक्चुअली काफ़ी होटल्स हम घूमे, एक्चुअली हमने पहले बुक नहीं करा था तो हमारी गलती ही रह गई थी। एंड 15 अगस्त भी, बस परसों 15 अगस्त है, कल राखी थी तो इसलिए कुछ काफ़ी होटल्स सारे फुल ही थे, तो इसमें हमें रूम मिला एक्चुअली। तो काफ़ी मस्त वाइब्स आती है एक्चुअली पहाड़ों पे। काफ़ी गर्मी भी हो रही है, ये देखो इट्स लाइक अपने खेत कि हम हरियाणा में ही है, पर दूर से लगेगा कि हाँ कहीं पहाड़ों पे है। तो ये व्यू आ रहा है, ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है, तो काफ़ी अच्छा व्यू है। चलो तो अगर त्रिवेणी घाट की आरती आपने देखनी हो तो जस्ट क्लिक ऑन दिस हर हर गंगे। धन्यवाद।